हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ खीर की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। खीर सभी की फेवरेट होती है और मोस्टली हर घर में ये बनती ही है। सबकी रेसिपीज थोड़ी डिफरेंट होती है। इसको हम कैसे बनाते हैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत इजी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 3/4 कप चावल, और आप किसी भी ब्रांड का या किसी भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं। मैं यहाँ बासमती ले रही हूँ। और अब इसको अच्छे से 3 से 4 बार हम वॉश कर लेंगे। तो चावल को मैंने यहाँ वॉश कर लिया है और अब हम इसको सोक कर देंगे। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और चावल अच्छे से इसमें डूब जाए, इतना पानी हमें इसमें ऐड कर देना है और इसको 1 घंटे के लिए हम सोक कर लेंगे। तो 1 घंटा हो गया है और अब इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। और अब एक छन्नी लेंगे और उसके ऊपर अब हम एक कपड़ा रखेंगे और चावल को हम इसके ऊपर फैला देंगे। ऐसा करने से जितना भी चावल का एक्स्ट्रा पानी होता है वो ये कपड़ा सोख लेता है और चावल ड्राई हो जाता है। तो मैं चावल को 3 से 4 घंटे के लिए इसी कपड़े पे छोड़ दूँगी और देखिए इस तरह से हमारा चावल ड्राई हो जाएगा। और अब हम इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है और इसको मोटा मोटा ही रखा है, एकदम से पाउडर जैसा नहीं बनाना है। और 2 बैचेस में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए चावल एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और यहाँ मैंने लिया है 2.5 लीटर फुल फैट मिल्क और इसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था और अब हम इसको फिर से बॉयल करेंगे। तो मैं गैस ऑन कर दिया है, फ्लेम को हाई रखा है और इसमें मैंने ऐड किया है 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। और अब वेट करेंगे इसमें एक बॉयल आ जाए और उसके बाद हम इसमें जो चावल हमने ग्राइंड करके रखे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जिससे कि लम्स ना पड़े। तो मैंने इसमें सारे चावल ऐड कर दिए हैं। अब फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। चावल को हमें दूध के साथ ही पकाना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ काजू, पिस्ता, बादाम और शौंजी ली है। खीर को पकते हुए यहाँ 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी थिक हो गई है। चावल भी इसमें अच्छे से मैश हो गए हैं, पूरी तरीके से कुक हो गए हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। मैं यहाँ पे 300 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा चीनी और भी बढ़ा सकते हैं। और इसको हम चलाएँगे अच्छे से जिससे कि ये बॉटम में ना लगे। और खीर को हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे तो बॉटम में नहीं लगती है। और इसी तरह से अभी हम इसको 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे खोया। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम खोया लिया है और उसको ग्रेट कर दिया है। और अब खोया को ऐड करके हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे, अच्छे से बॉयल आ जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कूल कर लेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। और हमारा बहुत ही लजीज सा डिज़र्ट बनके रेडी है।